एटी न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा डिप्टी सीएम तीन बड़ी घोषणा। हरियाणा में एसकेआरएन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने की बड़ी घोषणा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत राज्य के विभिन्न विभागों में लगे कर्मचारियों को चिरायु योजना में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। तो हरियाणा में अगर आप भी किसान हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि किसानों की आय डबल करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कर दी गई है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी स्कीम के तहत की जा रही है। तो वहीं इसके तहत किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक की रकम गाय भैंस भेड़ बकरी और मुर्गी के पालन के लिए मिलेगा। 1,60,000 रुपये तक के लोन के लिए कोई भी गारंटी नहीं देनी होगी। बैंकर्स कमेटी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ आराम से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो हरियाणा मुख्य सचिव आज यहां से शहरी स्थानीय निकाय लगे कर्मचारियों को मेडिकल सेवाओं का लाभ देने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग अनुराग रस्तोगी, महानिदेशक शहरी निकाय विभाग विकास गुप्ता, विशेष सचिव आदित्य धैया सहित कौशल रोजगार निगम के अधिकारी मौजूद रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि अब शहरी स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी EISI स्कीम में कवर नहीं होते हैं और 21,000 रुपये से अधिक सैलरी ले रहे हैं, उन्हें मेडिकल सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। नगर परिषद, नगर पालिका एवं नगर निगमों में लगे कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए दौरान दुर्घटना हो जाती है तो उसके इलाज का खर्च भी सरकार द्वारा ही परिवहन